नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे, उनका स्वास्थ्य उत्तम होगा। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का जो ये क्रमांक है आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बड़ा ही चमत्कारिक और कल्याणकारी होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके सभी प्रश्नों के प्रति उत्तर। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम अपने कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं कार्य करते हुए, लेकिन उस अनुपात में हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता। जितना कार्य हम करते हैं उसके फलस्वरूप समांतर परिणाम तो छोड़िए, जो निम्नतम परिणाम होना चाहिए वह निम्नतम परिणाम भी हमारे जीवन में नहीं आता, भाग्य की बड़ी कठिनाई रहती है। तो ऐसे दर्शकों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए आज का ये क्रमांक बड़ा चमत्कारिक होने वाला है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस क्रमांक में आप सभी की सहायता हेतु, आप सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न हेतु लेकर आए हैं एक ऐसा चमत्कारिक उपाय, जिसको जीवन में अपनाने से, जिसका अनुसरण करने से आपके जीवन में बहुत शीघ्र आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे, फलस्वरूप आपका भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। तो इसीलिए बने रहिएगा क्रमांक में, पूर्ण देखिएगा इस क्रमांक को। तो आपको करना क्या है, देखिए सप्ताह के 7 दिनों में से एक दिन का चुनाव आपको करना है, जो कि बड़ा ही मंगलकारी होने वाला है। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वह महत्वपूर्ण दिवस है मंगलवार का दिन, जो कि श्री महाराज जी को और श्री हनुमान जी को अति प्रिय है, क्योंकि मंगलवार के दिन आप जानते हैं श्री हनुमान जी की बहुत ही महती कृपा रहती है अपने भक्तों के ऊपर। तो इसीलिए आपको क्या उपाय करना है, आपको अगर सहूलियत हो सके, अगर आप थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर ज़्यादा अग्रसर हैं, तो आपको मंगलवार के दिवस का व्रत करना चाहिए। यदि व्रत करना संभव ना हो पाए, आप बहुत व्यस्त रहते हों, या आपके लिए किसी भी प्रकार से मंगलवार को व्रत करना संभव ना हो, तो आप एक नियम कीजिएगा कि जो भी आपके समीप में श्री हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर आपको सबसे पहले स्नान आदि करके श्री हनुमान जी के दर्शन करने हैं। इसके लिए वेला कोई भी हो सकती है, आप प्रातःकालीन वेला में भी दर्शन कर सकते हैं या संध्याकालीन में भी आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा अगर आप संध्याकालीन दर्शन करें तो और भी अच्छा है, दोनों समय कर पाएं तो यह भी अच्छा है। तो मान लीजिए अगर आप संध्याकालीन दर्शन करते हैं, तो संध्याकालीन दर्शन में सबसे पहले आपको स्नान आदि करके निवृत्त होकर महाराज जी के मंदिर में पहुंचना है, और सबसे पहला कार्य करना है कि श्री हनुमान जी के जहां पर भी विग्रह हो, जहां पर भी उनकी मूर्ति हो, वहां पर श्री हनुमान जी के समक्ष जाकर एक प्रार्थना करनी है। प्रार्थना के साथ साथ और क्या करना है उसका भी ध्यान रखना है, लेकिन सबसे पहली प्रार्थना आपको यही करनी है कि हे हनुमान जी, हे श्री राम जी के महादूत, आपकी शरण में मैं आया हूँ, मैं इस भाग्य से बड़ा ही परेशान हूँ, मैं अपने कार्य में पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करता हूं, लेकिन उस कार्य में या उस अमूक कार्य में मेरा परिणाम बहुत ही नकारात्मक हो रहा है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। इस प्रकार से ही छोटी सी प्रार्थना आपको करनी है, जो कि बड़ी ही मंगलकारी होगी। इसका कारण मैं आपको बताता हूं, इसका कारण यह है, श्री रामायण जी में भी कहा गया है कि जो भी अनन्य भक्त श्री हनुमान जी की सहृदय और भक्ति साधना के साथ श्री हनुमान जी की शरणागत होकर जाते हैं और श्री हनुमान जी को अपने दुख बताते हैं, तो सबसे पहले श्री हनुमान जी उस अमुक भक्त के दुखों का हरण कर लेते हैं, और उसके दुख जो दुख उस व्यक्ति के जीवन में चल रहे होते हैं, उन दुखों से उसको सदा के लिए निवृत्ति दिला देते हैं। इस प्रार्थना के बाद आपको क्या कार्य करना है, श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर, यदि संभव हो पाए मंदिर में बैठने की व्यवस्था हो तो बैठकर, नहीं तो आप खड़े खड़े भी श्री हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ तो अवश्य करें। अगर 3 बार संभव ना हो पाए आपसे, समय का थोड़ा अभाव हो, तो कम से कम 1 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं श्री हनुमान जी के विग्रह के सामने आपको करना है इस प्रार्थना के बाद में। और यह बात पूरी तरह से ध्यान रहे, मैं फिर से आपके लिए रेखांकित करवा देता हूं कि इस बात का ध्यान रहे कि अगर आप 1 बार भी श्री हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो उस पूरी हनुमान चालीसा में आपको पूर्ण रूप से उसमें संलग्न रहना है। संलग्न रहने का कार्य यह है कि कई लोग क्या गलती करते हैं, श्री हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है उसमें
पढ़ते तो हैं हनुमान चालीसा को, लेकिन ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, तो इसका पहले आपको ध्यान रखना है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय और बता दूं कि श्री हनुमान जी के समक्ष जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आपका भी यदि मन भटकता है इधर उधर प्रार्थना के दौरान या चालीसा पढ़ने के दौरान, तो आप श्री हनुमान जी के सामने कुछ देर के लिए आप ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान आप कैसे लगाएंगे, श्री हनुमान जी के विग्रह को आप कुछ क्षणों के लिए देखिए और उसके बाद आंखें मूंद कर उनके स्वरूप को सोचना। जो अभी आपने महाराज जी का स्वरूप देखा है विग्रह में, उसको थोड़ी देर गहनता से सोचने का प्रारंभ करिएगा। तो जब आप इस तरह से प्रारंभ करते हैं तो आपका मन एकाग्र होने लगता है और ये शक्ति श्री हनुमान जी के विग्रह में सदैव विराजमान रहती है। जो लोग ध्यान लगाने में थोड़ा सा ध्यान लगाने की प्रवृत्ति के होते हैं या जो ध्यान लगाने के लिए इच्छुक होते हैं, वह भी उपाय कर सकते हैं, आपको ध्यान लगाने में बहुत आसानी होगी। इसके साथ साथ अब बढ़ते हैं आगे, आपको क्या करना है, तो आप बैठकर या खड़े होकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए श्री हनुमान जी के समक्ष। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप जाप कर सकते हैं श्री राम जी के नाम का। श्री राम जी का कम से कम 101 बार जाप करिए, यदि संभव ना हो पाए तो 51 बार कर सकते हैं, और भी अगर समय का भाव रहे तो 11 या 21 बार भी कर सकते हैं। वैसे तो श्री राम जी के नाम का जितना जाप किया जाए, संख्यात्मक रूप से हटकर भी अगर आप जाप करते हैं तो यह जाप आपके लिए बड़ा ही फलदायी होता है। तो इस प्रकार से आप, यह तो हो गया जो उपाय आपको करना है, उस उपाय के साथ साथ एक छोटी सी बात और आप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि भाग्य बहुत शीघ्र आपका साथ देना प्रारंभ करें, तो आप कर सकते हैं इस हनुमान चालीसा के पाठ के बाद, दर्शन करने के बाद में यदि आप भोग लगाएं, कुछ जैसे दान पुण्य आदि का कार्य भी कर सकते हैं। वैसे मंगलवार के दिन बहुत से आपको भिक्षुक दिख जाएंगे मंदिर के आसपास, उनको आप लड्डू का दान कर सकते हैं, कोई मीठी चीज़ का जो कि आप अपनी सहूलियत अनुसार ले सकते हैं, उसको दान करेंगे और यह नियम करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही मंगलवार आप कर लीजिए, वैसे तो एक मंगलवार के बाद भी कई ऐसे हमारे जो अनन्य दर्शक हैं उनमें से ही कई भक्तों ने हमें बताया है कि एक बार भी ऐसा अगर उन्होंने विधान किया, एक बार भी उन्होंने ऐसा नियम किया, तो उनके जीवन में जो परेशानी चल रही थी वो बहुत शीघ्र छूट गई। तो यह तो पूरी तरह से निर्भर करता है कि कितना संलग्न होकर आप कार्य करते हैं। इस प्रकार से जब आप उपाय करेंगे, वैसे तो मैं आपको यही कहूंगा कि प्रत्येक मंगलवार यदि संभव हो पाए, क्योंकि देखिए अच्छी चीजों को करने के लिए आपको गिनती करना आवश्यक नहीं है, संख्यात्मक रूप में ना लेकर जितना आपसे संभव हो पाए हर मंगलवार को ये नियम बना लीजिए, जीवन में चल रही हर किस्म की परेशानी, हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाएगी। हनुमान जी इतने दयालु हैं, और जब बात हो रही हो हनुमान जी की तो महाराज जी का नाम आना तो परम आवश्यक है। और इसी प्रकार से आप यह प्रार्थना, अगर आसपास कोई मंदिर ना हो, बहुत दूरी पर हो, घर पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। घर पर भी आप श्री हनुमान जी के विग्रह के सामने बैठ सकते हैं। यदि विग्रह उपलब्ध ना हो तो महाराज जी तो हैं ही, महाराज जी के जो भी छवि चित्र को आपने विराजित किया है घर पर, यही उपाय जो है वह आप श्री महाराज जी के समक्ष करेंगे, क्योंकि महाराज जी और हनुमान जी में कोई भिन्नता नहीं है। आप इस प्रकार से महाराज जी के समक्ष भी है अपनी प्रार्थना, श्री हनुमान चालीसा का पाठ और श्री राम जी के नाम का जाप कर सकते हैं। उससे बड़े ही अद्भुत परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। जो भाग्य आपसे दूर दूर भाग रहा था, जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, वह भाग्य चहुमुखी दिशा से आपके लिए अच्छी खबरें, सुखद समाचार, जीवन में उन्नति, आध्यात्मिक अभिरुचि और इसके साथ साथ आध्यात्मिक जो आपकी प्रगति है वह भी जीवन में बढ़ जाएगी। यह स्वतः ही आपको अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी से पूछने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो यह है अद्भुत उपाय जो आप इस क्रमांक के माध्यम से अपने जीवन में सम्मिलित कर सकते हैं, और यह उपाय आपको इतना जीवन में लाभ देगा जिस प्रकार से आप एक दो दिन या एक दो बार के लिए सोच रहे थे, आप इसको हमेशा के लिए हर मंगलवार का नियम बना के करना प्रारंभ कर देंगे। तो यह है इतनी अद्भुत शक्ति इस छोटे से उपाय की। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं कि इस क्रमांक से आपको अवश्य ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो अब समय भी आ गया है विदा लेने का, तो विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के इस क्रमांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को श्री महाराज जी की ओर से आस्थावान बनाएं महाराज जी, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी का कल्याण हो और संपूर्ण सृष्टि में प्रेम भावना बनी रहे, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।